चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे झा गए। दोस्तों, मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए साहिल भाई अब आपके सामने आए हैं। सबसे पहले तो हम आप सभी दोस्तों का दिल्ली दरबार में दिल्ली घराने की जानिब से इस्तकबाल करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग तशरीफ़ लाए, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस धूप में, धूप की शिद्दत में यहाँ बैठे हुए हैं, वो मायूस नहीं होने वाले, उन्हें बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। शाहीन सलमानी और जो रॉक नामा है, इसका मैं तकरीबन 6-7 साल से जो है शाहीन को फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक पर, अलग अलग मीडियम्स के जरिए इन तक पहुँच रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के जो दूसरे हिस्से हैं, वहाँ पर जो इनका जो एनर्जी लेवल होता है शाहीन के इस पूरे ग्रुप का, वो गज़ब होता है, कमाल होता है। तो साहिल भाई, आप कुछ कहेंगे? सामाइन, शाहीन सलमानी आज की तारीख में जो नौजवान हैं उनके दरमियान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनकी सबसे बड़ी खूबी कि इनके चाहने वाले हिंदुस्तान के अलावा, हिंदुस्तान के बाहर, ईरान, इराक, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, हम लोग एक, एक शो करने के लिए गए थे कजाकिस्तान, आप लोगों को हैरत होगी, वहाँ भी इन्होंने परफॉर्म किया है। क्योंकि इनकी खूबी कि ये ना कि सिर्फ उर्दू में बल्कि फारसी में, अरबिक में, हिंदुस्तानी क्लासिकी जो अंदाज़ है उसमें परफॉर्म करती हैं, बड़े शोज़ करती हैं, एक उभरता हुआ नाम है। उस्ताद इकबाल अहमद ख़ान साहब की शागिर्द हैं, और आपकी खूबी बेक वक्त ये है कि आप जो जदीद है उसे गाने की माहिर हैं, और जो क्लासिकी अंदाज है, रिवायती अंदाज है, उसके अंदर आपकी महारत है। बिल्कुल, आपके सामने आपकी समातों की नज़र, तालियों से इस्तकबाल, जोरदार शाहीन सलमानी, जोरदार तालियां प्लीज। अब आप हैं और शाहीन सलमानी हैं। थैंक यू अनस भाई और साहिल भाई, ज्यादा बोल दिए इन्होंने ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मैं अभी सिर्फ सीख, कुछ साल हुए सीखते सीखते, लेकिन अब समझ में आना शुरू अब हुआ है, तो अब देखते हैं कब उस कब जाके वहाँ तक पहुँचेंगे, कब जाकर जिस लेवल पर हम लोग खुद सीखना चाहते हैं सीखेंगे। कल से मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही, पर सच में कल, आज मेरी आवाज़ बहुत अच्छी निकल रही है, कल बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी गले से। तो फिर से कह रही हूँ कि अगर कुछ, क्योंकि मुझे आज जनरली व्हेन वी परफॉर्म, हमारे जो बैंड का, हम जो जनरली हम परफॉर्म करते हैं, आई एम लाइक सो कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज, बट परफॉर्मिंग हियर इज़ लाइक आई एम लिटरली शिवरिंग राइट नाउ। सो प्लीज़ सपोर्ट, और कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। मेरी आवाज साइड फील्ड में भी थोड़ी सी अंदर कम आ रही। पहला गाना तलाश मूवी से, ब्यूटीफुली सैंग बाय सोना महापात्रा, होप यू लाइक इट। क्या जाने क्यों है, क्या जाने क्या?
Thank you so much. So next song, Desh Mein, Nusrat Fateh Ali Khan Sahab ka Mere Saiyan To Hai Pardesh. Oh,
को बहुत साल लग जाते हैं मिजाज मतलब मिजाज बनाने के लिए ठुमरी का, क्योंकि ये दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सिंगिंग ठुमरी बड़े गुलाम अली खान साहब की, का करूँ सजनी। बहुत मुश्किल ठुमरी है, ठुमरी गाना ही बहुत मुश्किल बात है। मैंने 10 दिन पहले सीखी है, लेकिन अपने उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब के अंदाज से उन्होंने सिखाई है मुझे, वो मैं सुनाऊंगी आपको। ध्यान में रखिएगा, 10 दिन पहले सीखी है। लोगों को सालों लग जाते हैं ठुमरी गाने में, और ये पहली दफा है कि रॉकनामा इज अटेम्प्टिंग अ ठुमरी। का करूं सजनी, आए नौबत अभी जी कहाँ बुला लो ना। का करूं सजनी, आए नौबत का करूं
रोबत रोबत कल ना ही आए, तड़प तड़प मोहे कल ना ही आए, निसद न मोहे बिरहा सताए, ओ याद आवत जब, मैं लिटरली कांप रही थी गाते हुए क्योंकि पहली बार मैं ठुमरी अटेम्प्ट कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं गाया इसके पहले। मेरा बाहर बाहर उमेश भाई थोड़ा सा बाहर वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, मेरा वोकल। नेक्स्ट मैं गा रही हूँ खमाज में मेहदी हसन साहब की बहुत ही खूबसूरत गजल, मेरी बहुत फेवरेट है, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन कम ना होंगे। दादरा में है फिर थोड़ा सा राग चेंज करके बिहागड़ा में मेरे उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब की जो कॉम्पोजिशन उन्होंने मुझे सिखाई है वो बिहागड़ा में मैं थोड़ी सी उसमें वो गजल ऐड करूँगी। ये बात बात पे क्या नाजुकी निकलती है, तेरे लब से दबी दबी हंसी निकलती है। मोहब्बत मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, तेरी महफ़िल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत कर जमाने भर के गम या एक तेरा गम, जमाने भर के गम या एक तेरा
चेंज हो रहा है थोड़ा सा, खमाज से हम जा रहे हैं बिहागड़ा में और ताल भी दादरा से कहरवा में जाएंगे। ये मेरे उस्ताद की कॉम्पोजिशन है, ये बात बात पे क्या नाजुकी निकलती है, दबी दबी तेरे लब से हंसी निकलती है। बड़े उस्ताद हैं हमारे उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब, उन्हीं का दम है जो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं के दम से ये दरबार है, ये दिल्ली दरबार है, दिल्ली घराना है और हम सब उनके शागिर्द हैं। टाइम बहुत कम है, मैं थोड़ा सा थोड़ा स्लो स्लो हो गया, अब एक थोड़ा सा कुछ ऐसा सुनाती हूँ जोश वाला थोड़ा सा। कोक स्टूडियो वाला हमने तैयार किया है, साथ में गाइए। जो भी बजाने
बुल्ले नू लोकी मत्ती दिंदे बुलिया आ बई जा विच मसीती बुल्ले नू लोकी मत्ती दिंदे बुलिया आ बई जा विच मसीती विच मसीता दे की कुछ हुंदे उस्ताद आ गए उनके लिए एक बार प्लीज जोर से जे दिलों नमाज ना कीती भारो दोवे लत्ता गोटे अंदरे रही पलिती तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़िया सजदे करे मसीती कन्ना नू हाथ लावे पहले फिर नमाज ते नीती दुनियादारा रब दे नाल वी 400 वी ते कीती
आज, टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो एक चीज मैं गाना चाहती हूँ जो रॉकनामा एक्चुअली बाहर करता है इस चीज से हटके। रॉकनामा जो है बाहर, जो हम कमर्शियल म्यूजिक करते हैं, उसकी उसकी एक झलक थोड़ी सी आपको दिखाते हैं। एक गाना जो हमारा बहुत फेवरेट है, हम वो गाना करेंगे। कुछ याद नहीं तेरे सिवा, कोई बात नहीं। आंखों में तेरे सपने, होठों पे तेरे नगमे, दिल मेरा लगे कहने हुई 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 मैं मन hey man। तेरे सिवा कुछ याद नहीं तेरे सिवा, कोई बात नहीं। शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे इस फेस्टिवल को, जो कोशिश है छोटी सी, कामयाब बना रहे हैं। आप ने देखा कि ये मेरी, मुझे फख्र है कि शाहीन मेरी बेटी है, मेरी शागिर्द है, मैं इसका गुरु हूँ, अब्बी जी हूँ, और आप सबका जो बड़े हैं उनका इसको ज़रूर दुआ और आशीर्वाद चाहिए कि दुनिया में कामयाब हो और दुनिया में कामयाबी की ज़िंदगी गुजारे। नए ख्वाहिशात इसके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हैं और हमेशा रहेंगे हमारे साथ। सारी तारीफ़ें, सारी तालियां उनके हकदार ये हैं।
जो मैं हूँ जहाँ हूँ वो ये है. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. सो दिस इज़ आवर बैंड रॉकनामा. दैट्स ऑल फॉर द डे. नौ घराना अनप्लग्ड. एक और है. नहीं नहीं मेरा गाना नहीं है. हमारे पास एक और प्रोडक्शन है दिल्ली घराने की, घराना अनप्लग्ड के नाम से, जिसमें सेमी क्लासिकल और लाइट का बहुत अच्छा एक मेल है नए पुराने गानों का, जो उनकी बंदिश और वो सब मिला के जो. चलिए यू आर लकी. आई कैन प्ले वन मोर सॉन्ग. दिस इज द लास्ट सॉन्ग वी आर डूइंग. किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है, खुशी के पल कहां ढूंढूं बेनिशान सा वक्त दिया है. जाने कितने लबों पे गिले हैं सपने क्यों आंखों में लगे रे जब छूटे न हाथ से वो बेवजह. सिंग विद मी. जो भेजी थी दुआ